हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम एनिमल किंगडम चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और बच्चों जिसने ये पचास एमसीक्यू आज वाले सॉल्व कर लिए ना अगर इन पचास में से एक क्वेश्चन भी बाहर आ गया तो भी आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे तो चलो बिना देर किए फटाफट हम शुरू करते हैं ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वाटर वैस्क्यूलर सिस्टम किसका करैक्टरिस्टिक फीचर है टीनोफोरा पोरीफेरा हेमिकोडेटा एंड एकाइनोडर्मेटा देखो बच्चों एक होता है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एक होता है वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है पूरी में जहाँ पे क्या होता है कि वाटर एंटर करेगा और एक रास्ते से बाहर निकल जाएगा इसको बोलते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम लेकिन हमसे पूछा है वाटर वैस्कुलर सिस्टम तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम हमें देखने को मिलता है एकाइनोडर्मेटा में ठीक है एकाइनोडर्मेटा यानी कि स्टार फिश के अंदर जो स्टार फिश है उसके अंदर क्या होता है छोटी छोटी ट्यूब्स बनी होती है जिसे हम बोलते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्योंकि वेसल्स बनी हुई है बेसिकली ठीक है ना वेसल के अंदर वाटर एंटर कर रहा so, right है सो डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ यूरोडेटा यूरोकोरडेटा का एग्जाम्पल कौन सा है एम्फियोक्सस लान बोथ ए एंड बी नन ऑफ देम सो देखो बच्चों एम्फियोक्सस और लानसलेट एक्चुअल में ये दोनों ही एग्जाम्पल सिफेलो कोरडेटा के हैं दोनों ही क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो सिफेलो कोडेटा के दोनों ही हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे तो सी भी कैंसिल आउट हो जाएगा सो नन ऑफ देम यानी कि यहां पे कोई है ही नहीं एक्चुअल में ठीक है तो यूरोडेटा में एसीडिया वगैरह आते हैं ये एग्जाम्पल हमारे यहां पे सिफेलो कोरडेटा के दिए हुए थे थर्ड है बर्ड्स एंड मैमल्स शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक एज अ कॉमन फीचर बर्ड्स और मैमल्स में कौन सा गुण कौन सा फीचर जो है वो पाया जाता है कॉमन कोल्ड ब्लडिड न्यूमेटिक बोन्स वीवी पैरिटी वार्म ब्लडिड तो बच्चों बर्ड्स और मैमल्स जो हैं कोल्ड ब्लडिड तो बिल्कुल नहीं है न्यूमेटिक बोन्स का मतलब होता है खोखली हड्डियाँ तो ऐसा भी नहीं है इनमें क्योंकि मैमल्स के अंदर ऐसा नहीं होता वीवी पैरिटी अब देखो बच्चों बर्ड्स जो है वो तो अंडे देते हैं तो ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बर्ड्स ओवी पैरस होते हैं वार्म ब्लडेड यस बर्ड्स और मैमल्स दोनों ही बच्चों वार्म ब्लडेड होते हैं होमियोथर्मिक होते हैं ठीक है और इससे पहले वाले जो रेप्टाइल्स आते हैं या एम्फीबियन आते हैं वो कोल्ड ब्लडिड होते हैं बिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल्स अ फोर चैम्बर्ड हार्ट फोर चैम्बर्ड हार्ट कौन से एनिमल्स में पाया जाता है लीजर्ड एंड स्नेक डॉल्फिन एंड वेल कंगारू एंड कैलोटिस फ्रॉग एंड ह्यूमन लीजर्ड एंड स्नेक पहले देखिए लीजर्ड एंड स्नेक दोनों ही रेप्टाइल हैं बच्चों रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है ये कैंसल हो गया ठीक है रेप्टाइल्स में और एम्फीबियन में थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है ध्यान रखना और फिश में टू चैम्बर हार्ट होता है डोल्फिन एंड वेल कंगारू एंड कैलोटिस एक्चुअली इसका आएगा डोल्फिन एंड वेल क्योंकि दोनों ही मैमल्स है बच्चों दोनों के अंदर ही हार्ट के अंदर फोर चैम्बर होते हैं ठीक है कंगारू तो ठीक है लेकिन कैलोटिस जो है गार्डन लिजर्ड लिजर्ड को बोलते हैं तो ये नहीं होगा इसलिए सी अपना कैंसिल हो जाता है यहाँ पे और फ्रॉग फ्रॉग एम्फीबियन है इसके अंदर थ्री चैम्बर हार्ट है तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाता है सो बी इज द राइट आंसर विच ऑर्गेनिज्म यूजिज कॉम्ब प्लेट्स फॉर लोकोमोशन पर्पज़ बच्चों करवाया है आपको बहुत अच्छे से कि कॉम्ब प्लेट किसके अंदर होती है लोकोमोशन के लिए तो देखिए इस तरह का एक स्ट्रक्चर आपको दिखाया करवाया हुआ है जिसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट थे तो ये अपना आया था बच्चों टीनोफोरा के अंदर ठीक है सो देखिए ऑप्शन ए है टीनोफोरा ओके बी है प्लूरोब्रैकिया अब यहाँ पे बच्चों प्लूरोब्रैकिया भी टीनोफोरा का ही एग्जाम्पल है टीनोफोरा कैटेगरी में दो एग्जाम्पल आते हैं एक प्लूरोब्रैकिया और एक टीनोप्लेना तो ये भी सही है बोथ ए एंड बी सो ए और बी दोनों ही आ जाएंगे सी इज द राइट आंसर इन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं सेल्स आर अरेन्ज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट बी टिश्यूज आर ग्रुप टू फॉर्म ऑर्गन्स सेम फंक्शन आर अरेवल में क्या होता है आपस में जुट जाती है और इकट एक, एक ही जैसा फंक्शन करती है सो सी इज द राइट आंसर बॉडी कैविटी लाइंड बाई मीजोडर्म इज कॉल्ड जब बॉडी कैविटी मीजोडर्म से कवर्ड होती है तो उसको क्या बोलते हैं

राउंड तो वम्स जो हैं राउंड वम्स से पीछे वाले लोअर फाइल जितने भी आएंगे वो सारे के सारे ए सीलोमेट हैं ठीक है और राउंड वम के बाद जो हायर फाइल आएंगे वो सारे के सारे सीलोमेट हैं सिर्फ राउंड वम एकमात्र ऐसा है बच्चों जो स्यूडोसिलोमेट है सो बी इज द राइट आंसर राउंड वम्स आर ओनली स्यूडोसिलोमेट यानी कि एशकेलेमिंथ राउंड वम को हम क्या बोलते हैं एशकेलमिंथ इफ द सर्कुलेटरी सिस्टम लेक्स आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज इट इज़ कॉल्ड अगर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड वेसल्स ना हो ना आर्टरी है ना वेन है ना कैपिलरी है उसको क्या बोलेंगे बच्चों ओपन टाइप क्लोज टाइप मिक्स्ड बोथ ए एंड बी तो बच्चों आपको आ, मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम के दोनों टाइप करवाए हैं ओपन एंड क्लोज तो अगर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है तो उसको बोलते हैं क्लोज टाइप और अगर प्रेजेंट ना हो तो उसको बोलते हैं ओपन टाइप बिकॉज ब्लड जो है वो ओपन साइनसिस में फ्लो कर रहा है ठीक है सो द राइट आंसर इज ए मेजर रोल ऑफ निमेटोसिस्ट निमेटोसिस्ट आर का मुख्य काम क्या है बच्चों निमेटोसिस्ट आपको बताया हुआ है एक्सक्रेशन रेस्परेशन मूवमेंट डिफेंस देखिए जो निडेरिया होते हैं निडेरिया के पास होता है निमेटोसिस्ट ठीक है और वो निमेटोसिस्ट एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को फेंकता है बाहर की तरफ जिसे वो क्या करता है अपने प्रे को होल्ड कर लेता है सो so, ये क्या करता है डिफेंस में हेल्प करता है या फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है निमेटोसिस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोरीफेरा इनमें से कौन सा पोरीफेरा नहीं है स्पंज नहीं है तो स्पंज के लिए बहुत अच्छी ट्रिक आपको बताई हुई है साइको यू स्पून तो वो लगाने पे यहाँ पे आपको साइकोन मिल जाएगा तो ये तो है यू स्पोंजिया स्पोंजिया ये तीनों पोरीफेरा बच्चों बच गया अपना स्पायरोरा ठीक है बच्चों स्पायरोगायरा हमारा पोरी फेरा नहीं है The skeleton of corals is made up of. Corals का जो स्केलेटन है वो किस चीज का बना हुआ है तो बताया था मैंने बच्चों की कोरल्स का जो स्केलेटन होता है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का ओके कोरल्स इकट्ठा होते रहते हैं मान लीजिए सी के बॉटम में ऐसे इकट्ठा होते रहते हैं और सी के सरफेस से भी बाहर आ जाते हैं और एक तरह के आइलैंड वहाँ पे अपीयर होने लग जाते हैं ठीक है सो so ये आइलैंड किसके बने होते हैं कोरल्स के द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज आल्सो कॉल्ड बच्चों ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है वेरी वेरी आईएमपी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को क्या बोलते हैं तीन डेफिनेशन दी भाई मेटामॉर्फोसिस मेटास्टेसिस मेटाजेनेसिस मेटामेरिज्म और बच्चों इसके चारों ऑप्शन में से कोई भी किसी पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ये ध्यान रखना का का मतलब मतलब क्या होता है? का मतलब होता है है कि जब जाइगोट लार्वा में चेंज होता है और लार्वा बहुत सारी चेंज करता करता फाइनली अडल्ट में चेंज होता है इसको बोलते हैं मेटामोरफोसिस ठीक है तो जब ये लार्वा की मेचोरिटी वाली सिचुएशन को हम स्टडी करते हैं रूप परिवर्तन जब होता है लार्वा के अंदर दैट इज मेटामोरफोसिस मेटास्टेसिस का मतलब होता है कैंसर सेल्स जो होती है जब बॉडी के अलग अलग पार्ट में लोज होती है तो उसको बोलते हैं ये मैं कैंसर लिखने की कोशिश कर रहा था ठीक है कैंसर सेल्स जब बॉडी में फैल जाती है तो उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस मेटाजेनेसिस इज द राइट आंसर मेटाजेनेसिस का मतलब होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जैसे कि पॉलीफॉर्म मेड्यूसा में चेंज होती है और मेड्यूसा फॉर्म जो होती है वो पॉलीफॉर्म में चेंज हो जाती है ठीक है मेड्यूसा उसके बाद मेटा मेटामेरिज्म आपको बताया था बच्चों जैसे कि अर्थवॉर्म में होता है बॉडी अलग अलग मेटामर्स में डिवाइड होती है ऐसे अर्थवाम होता है ठीक है और उसके अंदर ऐसे देर आर सो मैनी मेटामर्स तो मेटामेरिज्म तो ये चारों ऑप्शन में से किसी पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है द टर्म बाइलेटरल सिमिट्री रेफर्स बाइलेटरल सिमिट्री का मतलब क्या होता है बच्चों बाइलेटरल की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि जब हम किसी एक प्लेन से ही दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं सो फाइंड आउट करिए वैन द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू टू अन इक्वल अन इक्वल आ गया तो वैसे ही हमारा ये तो नहीं होगा टू एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर विच डजेंट डिवाइड द बॉडी इंटू इक्वल हाफ जब डिवाइड ये नहीं करेगा तो इसकी बात ही नहीं करेंगे ये भी गलत हो गया वैन द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ ओनली इन वन प्लेन यस दिस इज द राइट स्टेटमेंट विच सेल बिलोंग्स टू फाइलम पोरीफेरा इनमें से कौन सी सेल है जो फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करती है मालपीजियन ट्यूबल्स नहीं मालपीजियन ट्यूबल तो नहीं है बच्चों ये तो अपने आगे चल के जो स्कॉर्पियन वगैरह उसमें आते थे ना जॉइंटेड अपेंडिज वाले आर्थरोपोडा उनमें होते हैं कोयनोसाइट्स फ्लेम सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स सो कोसाइट इज द राइट आंसर फ्लेम सेल नहीं है बच्चों फ्लैट वर्म्स में फ्लेम सेल्स होती है डिप्लो ब्लास्टिक एनिमल्स बिलोंग्स टू द फाइलम कौन से फाइलम में डिप्लोब्लास्टिक एनिमल आते हैं जर्म लेयर के ऊपर क्वेश्चन है बच्चों ठीक है जहाँ पे एक्टोडर्म इजोडम एंडोडर्म तीन लेयर होती है तो यहाँ पे दो ही लेयर हैं डिप्लोब्लास्टिक दो जर्म लेयर किसमें होती है सिलेंड्रेटम प्लेटी हेलमिंथ कोरडेटा एश्केलमिंथ सो एक्चुअल में बच्चों जो प्लेटी हेलमिंथ है प्लेटी हेलमेंथ से नीचे जो भी है उसके अंदर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स वो होते हैं तो यहाँ पे हमें सिलेंड्रेटा मिल रहा है जिसे हम निडेरिया भी बोलते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक है ठीक है प्लेटी हेलमेंथ अपना ट्रिपलोब्लास्टिक है कोडेटा एश्कलमिंथ ये सारे के सारे बच्चों अपने ट्रिपलोब्लास्टिक है यानी कि थ्री जर्म लेयर इनके अंदर होती है टस्क शेल बिलोंग्स टू विच जेनेरा कौन से सेल से कौन से जेनेरा से टस्क शेल बिलोंग करती है

एनी का मोलस्का अर्थरोहनो एनी लीडा जिसके अंदर हमने अर्थवम का जिक्र भी किया था सो एनीडा के अंदर क्या होता है एनी के अंदर बॉडी जो होती है बहुत सारे ऐसे कंपार्टमेंट इक्वल कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होती है जिनको हम मेटामर्स बोलते हैं एंड दिस इज मेटामेरिज्म न्यूमेटिक बोन्स आर एक्सपेक्टेड टू बी फाउंड इन न्यूमेटिक बोन खोखली हड्डियाँ किसमें पाई जाती है फिश में लिमुलस किंग क्रैप को बोलते हैं बर्ड्स में रेप्टाइल्स में राइट आंसर इज बर्ड्स बर्ड्स की जो बोन्स होती है वो न्यूमेटिक बोन्स होती है ताकि वो आसानी से उड़ सके न्यूमेटिक का मतलब होता है अंदर से खोखली हड्डियाँ ट्रू सेजमेंटेशन इज़ ऑल्सो कोल्ड ट्रू सेजमेंटेशन को क्या बोलते हैं मेटास्टेसिस ये तो कैंसर के लिए यूज होता है मैंने बताया था मेटाजेनेसिस ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ये भी नहीं आएगा मेटामोरफोसिस जब लार्वा मेचोर होता है और रूप परिवर्तन करता है मेटामोरफोसिस मेटामेरिज्म यस मेटामेजम इज द राइट आंसर मैच द फॉलोइंग कॉलम देखो बच्चों मैचिंग टाइप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आने चाहिए आपको और यहां पे एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है एडेमशिया गोरगोनिया एम्फियस मी एक तरफ दिए हुए हैं ब्रेंकियोस्टोमा सी फैन ब्रेन कोरल सी एनिमन तो मिलाओ करो शुरू एडमशिया एडमशिया बोलते हैं बच्चों सी एनिमन को ओके okay. गोरगोनिया गोरगोनिया बोलते हैं बच्चों सी फैन को एम्फियोक्सस एम्फियोक्सस के बच्चों तीन नाम है एम्फियोक्सस को लांसलेट भी बोलते हैं ब्रेंक्योस्टोमा भी बोलते हैं सो इसका आ जाएगा फर्स्ट वाला ओके okay, ब्रेंक्योस्टोमा मड्रीना बचिया बच्चों, बच्चों मीना ब्रेन कोरल है थ्री वाला चलिए अगले पे चलते हैं एग्जिट ऑफ वॉटर इन पोरी फैरा इस टर्म डेज पोरीफेरा के अंदर एग्जिट ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं तो बच्चों देखिए फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके मान लीजिए ये एक पोरीफेरा हमने बनाया साइकोन का एग्जाम्पल है वाटर जहां से एंटर करता है उसको बोलते हैं बच्चों ओस्टिया और जहां से वाटर बाहर निकलता है उसको बोलते हैं ओस्क्यूलम ठीक है सो so, ओस्क्युलम हमें दे रखा है एग्जिट ऑफ वाटर ओस्क्यूलम एंट्री पूछते तो ओस्टिया हो जाता हूँ चूज द फॉल्स पेयर हमें फॉल्स पेयर चूज करना है एनी सूडोसिलोमेट अमीबा प्रोटिस्टा निडेरिया रेडियल सिमेट्री, ऑप्शन ए एंड सी आर फॉल्स बच्चों सी तो बिल्कुल ठीक है भाई निडेरिया के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है ठीक है अमीबा भी प्रोटिस्टा को बोलते हैं हम निडेरिया सिमेट्री है सही है अमीबा प्रोटिस्टा में आता है ये भी सही है एनी लीडा सूडोसुलोमेट नहीं है मेरे प्यारे बच्चों ये फॉल्स हो जाएगा सूडोसिलोमेट में हमारे राउंड वर्म्स आते हैं नी लीडा में अपने अर्थवाम वगैरह आते हैं ठीक है मैच द फॉलोइंग अगेन एक मैचिंग टाइप क्वेश्चन है हनी बी लोकस्टा हॉर्स बॉम्बिक्स सिल्कवाम एपिस इक्वस ग्रेगेरियस पिस्ट देखो बच्चों हनी बी हनी बी को बोलते हैं एलिप एपिस या एपिस डोरसेटा

डोल्फिन मैक्रोपस प्लेटिपस वेल ठीक है यानी कि एक हमारा ऐसा है जो एग देता है बाकी सभी वीवी पैरस होंगे डॉल्फिन डॉल्फिन बच्चों क्या है मैमल्स में आती है डॉल्फिन जो है वीवी पैरस है तो ये नहीं रहेगा मैक्रोपस कंगारू को बोलते हैं ये भी बच्चे पैदा करते हैं इसको भी नहीं बोलेंगे प्लेटिपस यस प्लेटिपस बच्चों डक बिल्ड प्लेटिपस याथोरिंकस जो है ये जो है एग्स देता है एग्स रिलीज करता है यानी कि ओ वी पैरस है ठीक है इट इज नॉट ए वी वी पैरस वेल जो है ये अपना वी वी पैरस है सो सी इज द राइट आंसर प्लेटिपस इज द राइट आंसर नेम द फाइलम विच हैज बाई सिमिट्री इन लारवल स्टेज बट रेडियल सिमिट्री इन अडल्ट स्टेज वेरी वेरी आई एम पी वेरी वेरी आई एम पी बच्चों लार्वल स्टेज में होता है तो बाइलेटल सिमिट्री है और रेडियल सिमिट्री होती है जब वो अडल्ट स्टेज में होता है ये मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था कि इंपॉर्टेंट है बच्चों तो ऐसा किस में होता है एकाइनोडर्मेटा ड्रमेटा हेमिकोडेटा सिफेलो कोडेटा एनी एकाइनोडर्मेटा बच्चों एकाइनोडर्मेटा कौन से होते हैं स्पाइनी स्किन वाले स्पाइनी स्किन किस में होती है जैसे कि बच्चों आपको बताया था स्टार फिश के अंदर होती है ठीक है स्टार फिश जो है इनके अंदर स्पाइनी स्किन होती है ये लार्वल स्टेज में बायोलेट्रल सिमेट्री शो करते हैं अडल स्टेज में रेडियल सिमेट्री शो करते हैं विच जर्म लेयर फॉर्म्स द नोटोकोड कौन सी जर्म लेयर से नोटोकोड बनता है एक्टोडर्म मीजोडर्म एंडोडर्म सिलोम प्यारे बच्चों मीजोडर्म से नोटोकोड बनती है ठीक है और नोटोकोड से हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर हमारे अंदर बनता है वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी तो नोटोकोड इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन च स्टेटमेंट अबाउट नोटोकोड इज़ टोटली फॉल्स नोटोकोड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है इट इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल इन यूरोकोडेटा यूरोडेटा में ये सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है ये स्टेटमेंट तो भाई ओके okay है इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ इन लांसलेट लांसलेट में ये थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होती है लांसलेट अपना आता है बच्चों सिफेलोकोडेटा में ये स्टेटमेंट भी सही है इट चेंजेस इनटू टू वर्टिब्रल कॉलम ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स के अंदर नोटो कोड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है ये बात भी सही है हमें फॉल्स चूज़ करनी थी बच्चों है ना इट चेंजेस इनटू होलो नर्व कोड इन लोअर फाइलम्स क्या ये लोअर फाइलम में नर्व कोड में चेंज हो जाता है नो no. ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों सो डी इज द राइट आंसर विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मोलस्का मोलस्का के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है सो ट्रू स्टेटमेंट देखिए प्रेजेंस ऑफ मेंटल कैिटी एंड फीदरीगिल्स पहली बात तो मोलस्का कौन से थे बच्चों सॉफ्ट बॉडी वाले मैंने बोला था ना लेक्चर करवाया था गोलू मोलू से होते हैं जो सॉफ्ट बॉडी वाले उनको मोलस्का बोलते हैं जिसमें अपने ऑक्टोपस वगैरह आए थे सो so, क्या इनके पास मेंटल कैविटी और फीदरीगिल्स होते हैं प्रेजेंस ऑफ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ए सिलोमेट विद कैल्केज एक्डोस्कैलेटन एक्सक्रीशन ट एक्सप्लेस बाई फ्लेम सेल्स बच्चों फ्लेम सेल तो अपना प्लेटी हेलमिथ में या फ्लैटफॉर्म्स में होता ये ये है ये नहीं आएगा ए सिलोमेट ये है ही नहीं मोलस्का ठीक है मोलस्का सिलोमेट होते हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ये बहुत एडवांस हो चुके हैं बच्चों इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल आ चुका है मेंटल कैविटी यस मेंटल कैविटी होती है बच्चों इनमें इनके ऊपर जो एक लेयर होती है दैट इज मेंटल लेयर और उसके वह जो कैविटी है वहां पे फिदरी गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो इनको रेस्पिरेशन में और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं ये मैंने बहुत अच्छे से आपको मोलस्का करवाया हुआ है एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट इन एयर ब्लैडर यानी कि बच्चों यहां पे क्वेश्चन जो है वो फिश के ऊपर पूछा गया एक्चुअली एक्जोसीटस ट्राइगन बोथे एंड बी नन ऑफ देम बच्चों देखिए फिश आपको दो तरह की करवाई गई है एक फिश होती है बोनी फिश एक होती है कार्टिलेजिनस फिश ठीक है एक है बोनी फिश कार्टिलेजिनस फिश के पास तो है एयर ब्लेडर होता नहीं है सिर्फ बोनी फिश के पास एयर ब्लैडर होता है तो हमें बोनी फिश का एग्जाम्पल ढूंढना है एग्जोसीटस ट्राइगन बच्चों एग्जोसीटस बोनी फिश होती है ट्राइगन जो है ये कार्टिलेजिनस फिश है तो ये नहीं आएगा और यानी कि सी कैंसिल हो जाएगा ये भी कैंसिल ए इज द राइट आंसर विच इज अ बॉनी फिश विच हैज एयर ब्लैडर जिसकी वजह से वो स्विम कर सकती है मतलब कि वो नीचे सिंक में नहीं जाएगी विच वन इज द फ्लाइट लेस बर्ड ऐसा कौन सा बर्ड है जो उड़ नहीं सकता ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग यस yes. इमू ये भी ठीक है कीवी ये भी ठीक है सो ऑल ऑफ दीज इनमें से कोई भी बर्ड बच्चों उड़ नहीं सकता ऑल आर फ्लाइटलेस बर्ड्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग रेप्टाइल हैज़ फोर चैम्बर्ड हार्ट रेप्टाइल पे क्वेश्चन है बच्चों और कौन सी रेप्टाइल के पास में फोर चैम्बर्ड हर्ट होता है बच्चों स्नेक स्कॉर्पियन क्रोकोडाइल टर्टल देखो बच्चों रेप्टाइल के पास पहली बात तो थ्री चैम्बर हर्ट होता है सिर्फ एक एक्सेप्शन ऐसा था जिसके पास फोर चैम्बर हर्ट होता है वो था क्रोकोडाइल मैंने वहाँ भी बोला आपको लेक्चर में भी कि क्रोकोडाइल का ध्यान रखना पूछा जाता है तो क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइाइल है जिसके पास फोर चैम्बर हर्ट होता है

ऊपर वाले रीजन में हमें प्रोबोसिस ग्लैंड के बारे में हमने बात की थी द साइंटिफिक नेम ऑफ स्टारफिश स्टारफिश का साइंटिफिक नेम क्या है एसीडिया ट्राइगन पेट्रोमाइजन इज द राइट आंसर स्टारफिश का साइंटिफिक नेम एस्टरिस मैच द फॉलोइंग अगेन मैचिंग टाइप क्वेश्चन है बच्चों एक तरफ लिखा हुआ पिटा कि अगेन तो, इटन तो देखो बच्चों keto -plura. Keto -plura का वो किसको बोलते हैं काइटन को मगूर देन नेक्स्ट है हमारा बीटा बीटा फाइटिंग फिश को बोलते हैं बच्चों और एक बच्चे हमारा सीपिया सेपिया हम बोलते हैं पर्ल ओएस्ट को विच स्टेटमेंट सेटिस्फाई अबाउट यूरोडेटा यूरोडेटा के बारे में कौन सी स्टेटमेंट पूर्ण रूप से संतुष्ट करती है नोटोकोड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन क्या नोटोकोड हेड टू टेल होती है नहीं नोटोकोड तो बच्चों हेड टू टेल किसमें होती है सिफ एलो को में ये तो गलत होगी सेकेंड देखिए नोटोकोड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लारवल स्टेज एंड एंडसिस्ट थ्रू आउट लाइफ क्या ये लार्वल स्टेज में होती है और प्रसिस्ट करती है थ्रू आउट लाइफ नो no. ये भी कैंसिल हो जाएगी बच्चों नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेज नोटोकोड सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है नोटोकोड चेंजिंग इन टू वर्टिब्रल कॉलम डी भी नहीं आएगा क्योंकि वर्टिबल कॉलम में सिर्फ वर्टिवरेटा में चेंज होती है सी इज़ द राइट आंसर नोटोकोड सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है यूरोकोडेटा में विच पार्ट ऑफ निमेटोसिस्ट इज सेंसरी इन नेचर निमेटोसिस्ट का कौन सा पार्ट सेंसरी होता है निडोसिलसो थ्रेड ट्यूब ओपरक्यूलम तो बच्चों अगर इस तरह का हम एक स्ट्रक्चर बनाते थे और उसके अंदर से आपने देखा था एक ऐसे थ्रेड ट्यूब निकलती थी जो होल्ड कर मतलब अपने दुश्मन को पकड़ लेती थी यहाँ पर एक कांटासा था ऐसी ठीक है इसको बोलते थे निडोसिल सेंसरी स्ट्रक्चर था बच्चों जिससे इसको पता चल जाता था आसपास के एटमोस्फियर का सो निडोसिल इज द राइट आंसर क्योंकि लेसो लेसो तो इसको ऐसे होल्ड करके रखता था ना यहां पे ऊपर क्यों में ऊपर का ढक्कन होता है थ्रेड ट्यूब भी सेंसरी नहीं होती सो निडोसिल इज द राइट आंसर एक्सक्रीशन इन टीनिया इज शोन बाई टीनिया के अंदर एक्सक्रीशन किस चीज से होता है टीनिया यानी कि टीनिया किस में आता है बच्चों टीनिया आता है हमारा फ्लैट वॉम में और फ्लैट वर्म के अंदर एक्सक्रीशन होता है बच्चों फ्लेम सेल्स से एफ से, से फ्लेम एफ से फ्लैट वर्म्स आपको ऐसे याद करवाया था मैंने तो फ्लेम सेल इज द राइट आंसर द ऑर्गन सॉरी द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेटी हेलमिंथ प्लेटी हेलमिंथ के अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा प्लेटी हेलमिंथ वर्म्स में पूछा गया है सेल्युलर लेवल ऑर्गन लेवल ऑर्गन सिस्टम लेवल टिश्यू लेवल देखिए बच्चों सेलुलर लेवल तो है ही नहीं यहाँ पर सेलूलर तो बहुत लोअर फाइला के अंदर होता है सेलुलर लेवल तो हमारा पूरी फहरा में था ऑर्गन लेवल ऑर्गन सिस्टम लेवल प्लेटी हेलमिंथ में बच्चों ऑर्गन लेवल होता है और और इससे नीचे टिश्यू लेवल है और इससे ऊपर आ जाता है हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल सो ऑर्गन लेवल इज द राइट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम डजेंट बिलोंग टू प्लेटी हेलमिंथ प्लेटी हेलमेंथ से कौन सा फाइलम बिलोंग नहीं करता इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक मैंने बच्चों को बताई हुई है क्या ट्रिक बताई हुई है प्लेटी हेलमिन के तीन एग्जाम्पल यहाँ पे तीन है एक प्लेटी हेलमेंट का एग्जाम्पल नहीं है तो प्लेटी हेलमेंथ याद रखने के लिए आप याद रखोगे ताई प्लेन में फंस गई ताई प्लेन में फंस गई ताई से हो जाएगा टीनिया तो टीनिया दे रखा है यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा प्लेन से हो जाएगा प्लेन एरिया ये भी कैंसिल हो जाएगा फस से फसी ये भी कैंसिल बच गया क्या राउंड होम तो राउंड होम बच्चों प्लेटी हैलमिंथ नहीं है सी और वाला जो हमारा सही हो जाएगा फर्स्ट फाइलम दैट प्रोजेस्ट वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स सबसे पहले वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स किस में देखने को मिला एश्केमथ में प्लेटी हेलमिथ में, में या में या मोलस्का में सबसे पहले बच्चों मस्कुलर फेरिंग्स का जिक्र आता है एश्कलमिंथ में यानी कि राउंड वर्म्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनीमेलिया सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है बच्चों मेमेलिया एविस आर्थरोपोडा मोलसका सेकेंड लार्जेस्ट है बच्चों मोलस्का और अगर फर्स्ट पूछा जाता तो हो जाता आपका आर्थ्रोपोडा फर्स्ट आर्थ्रोपोडा सेकेंड लार्जेस्ट मोलस्का फ्लेरियल वम कोजे कम्स अंडर विच फाइलम फ्लेरियल वम कौन से फाइलम के अंडर आता है फिलेरियल वर्म बोलते हैं बच्चों जो एलिफेंटीएसिस कोज करता है ठीक है तो ये आता है बच्चों हमारा फ्लैट वर्म्स फ्लेरियल हमारे एश्लो फल वर्म हमारा राउंड वर्म है बेसिकली ओके विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कॉल्ड अ लिविंग फॉसिल कौन से एनिमल को हम लिविंग फॉसिल बोलते हैं ये मैंने लेक्चर के टाइम पे बोला था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है लेमोलस लोकस्टा लेसिफर अर्थवम अर्थवम तो नहीं है लिविंग फॉसिल लेसिफर लैक इंसेक्ट को बोलते हैं ये भी नहीं होगा लोकस्टा जो है बच्चों ग्रगेरियस पीस्ट है ये भी नहीं होगा लेमोलस आर्थरोपोडा के अंदर जो लेमोलस आता है दिस इज द लिविंग फॉसिल ओनली लिविंग फॉसिल लेमोलस को बच्चों आपको ध्यान हो तो एक और नाम था इसका किंग क्रैब विच ऑफ़ द फॉलोइंग फीचर इज़ नॉट प्रेजेंट इन आर्थरोपोडाफाइलम आर्थरोपोडाफाइलम के पास में कौन सा फीचर नहीं है काइटिनस एग्जोस्केल्टन ज्वाइंट अपेंडिजिज भाई काइटन का एक्जोस्केट्टन तो होता है इनके पास ज्वाइंट अपेंडिजिज भी होते हैं स्पाइनी स्किन विद कैलकैरियस एग्जोस्केल्टन नो 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 स्पाइनी स्किन बच्चों एक में ही किया था हमने कि इसमें एकाइनोडरटाम सेजमेंटेशन येस सेजमेंटेशन भी इनमें होता है ये बॉडी जो है वो हेड थोरैक्स और एबडोम में डिवाइड होती है तो हमसे पूछा था नॉट प्रेजेंट तो नॉट प्रेजेंट आ जाएगा सी ये मैंने कैंसिल कर दिया सॉरी सी आ जाएगा बच्चों स्पाइनी स्किन इनमें फीचर नहीं होता है ठीक है सी इज द राइट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट कवर्ड अंडर फिश कौन सा पेयर फिश के अंडर नहीं आता है स्कोलियोडन एंड बीटा फिश ट्राइगन एंड जैली फिश कार्केरोडोन एंड सॉफिश कटला एंड हिपो कैम्पस सर देखिए कटला एंड हिप्पो कैम्पस ये बोनी फिशें बच्चों ये तो यानी कि फिश के अंडर आती है हमें बताना है कि नहीं आती है कारकेरोडोन एंड सॉफिश कारकेरोडोन और सॉफिश ये भी फिश के अंडर आती है ये अपनी कार्टिलिजनस फिशें दोनों है ना ट्राइगन एंड जेली फ़िश ट्राइगन फिश है बटो बच्चों लेकिन जेली फिश जो है ये फिश नहीं है ठीक है जेली फिश हमारी फिश नहीं है ये इसको औरलिया को जेली फिश बोलते हैं तो औरलिया हमारा किस में आता था तीन, क्या नाम था उसका सिलेंट्रेटा के अंदर हमारा जेली फिश आता था ठीक है सो ये बी हमारा हो जाएगा क्योंकि स्कोलिडन और बीटा फिश ये भी हमारी फिश है ये भी कैंसिल हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर द यूनिक कैरेक्टर ऑफ क्लास मेमेलिया इज मैमल्स का यूनिक करेक्टर क्या है प्यारे बच्चों प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड यस मेमरी ग्लैंड होती है प्रेजेंस ऑफ हेयर बिल्कुल हेयर भी होते हैं केयरिंग ऑफ यंग वंस अपने बच्चों की देखभाल करना यस ऑल ऑफ दीज दैट मीन्स द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज प्रॉपर्टी ऑफ लाइट एमिशन इन टीनोफोरा इज कॉल्ड टीनोफोरा जो लाइट एमिट करते हैं बच्चों टीनोफोरा ऐसे करके बनाए थे हमने आपको याद हो तो कॉम्प प्लेट्स बनाई थी और यहाँ से उनके अंदर से ऐसे टेंटिकल्स निकल रहे थे ठीक है तो ये लाइट एमिट करते हैं इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बायोहेजार्ड फोटोलिस बायोलोमिजम बायोल्योम वो चमकते रहते हैं जैसे जुगनू चमकता है सो दैट इज बायोल्योम विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज सिक्रेटेड इन द सलाइवा ऑफ लीच लीच की सलाइवा के अंदर कौन सा केमिकल होता है तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि सलाइवा जब किसी एनिमल के बॉडी से चिपक जाती है तो ये केमिकल सिक्रेट करती है जो खून को जमने नहीं देता जो एंटी कोगुलेंट होता है वो होता है अपना ऑप्शन है हिपेरिन हीरोडिन वारफरिन हिस्टामिन हीरोडिन और इसीलिए हीरोडिन जो ये लीच सिक्रेट करती है इसको हीरोडिन भी बोलते हैं स्टोमोकोड इज़ द फीचर शोन बाय ओनली स्टोमोकोड किसके अंदर होता है केवल तो स्टोमोकोड बच्चों कोडेटा में सिफेलो कोडेटा हेमी कोडेटा। देखो बच्चों कोडेटा सिफेलो कोडेटा और यूरो कोडेटा इन तीनों में नोटो कोड है ठीक है सिर्फ हेमी एक एकमात्र ऐसा है जिसमें होता है अपना स्टोमो कोड। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों विच वन इज कंसिडर्ड अंडर मेमेलिया कौन सा है जो मेमेलिया के अंडर आता है हेगफिश सिल्वर फिश डॉल्फिन एंड रोहू एग फिश नहीं आएगा सिल्वर फिश भी नहीं आएगा रोहू मछली को ही बोलते हैं ये भी नहीं आएगा मैमल्स में सिर्फ हमारा है बच्चों डॉल्फिन जो सबसे बुद्धिमान जीव भी माना जाता है इस पृथ्वी पे सो so, ये हमारे हो गए आज 50 क्वेश्चंस तो आई होप कि आपको बड़ा मजा आया होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में अब फटाफट ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर किया है सो दैट्स इट थैंक यू सो मच